गुलाब के फूल भी काफी सारे लगे हुए हैं, और इधर तरफ एक छोटा सा हावड़ा ब्रिज है, देख सकते हैं ये ब्रिज है, और इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत सा ब्रिज। हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज फिरोज अंबर, वी आर बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, एक ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम रांची में हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और रांची में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं घूमने के जो कि मैं दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों, आज भी एक प्लेस को दिखाने के लिए आया हूँ जो कि कांके और रातो रोड के दरमियान एक बहुत ही फेमस और मशहूर प्लेस है, यानी रॉ गार्डन। सो दोस्तों, ये रॉ गार्डन आपको रातो रोड और कांके जाने के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर पहाड़ है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। सो दोस्तों, आज आप सभी को हम रॉ गार्डन घुमाएंगे, आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, काफ़ी दूर आ चुके हैं, चलते चलते ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ है, और इसके जस्ट बगल में आपको का पार्किंग स्पेस है, ये फोर व्हीलर टू व्हीलर के ये रोड है, इसके जस्ट बगल में ही ये पार्किंग है, और इसके ऊपर जाए रॉ गार्डन है। सो दोस्तों, अभी पहुँचते हैं रॉ गार्डन और आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कितने भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर से लोग। सो दोस्तों, अभी हमने रॉ गार्डन का टिकट लेके एंटर हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इंटरफेस है, अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। अभी रॉ गार्डन के अंदर एंटर हो चुके हैं, और आज आप सभी को रॉ गार्डन को घुमाते हैं किस तरह। यहाँ का बहुत ही फेमस और मशहूर रॉ गार्डन है, जो कि हर लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े छोटे हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं इंजॉय करने के लिए। सो दोस्तों, आज आप सभी को रॉ गार्डन बेहतरीन तरीके से घुमाने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पे एक दुकान सभी भी है, अगर कुछ पानी खाना नहीं लाया है तो यहाँ पे भी खा के लेके खरीद के खा के इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं अलग अलग तरीके से घूमने जाने का रास्ता, ये तो ये पेड़ों के बीच बीच ये रास्ता बना हुआ है, और ये बिल्कुल पहाड़ पे है, यानी एक पहाड़ के लोग एक खूबसूरती बना दिया, एक घूमने का प्लेस बना दिया। सो दोस्तों, देखते हैं और आप सभी को भी इंजॉय कराते हैं, बने रहिएगा एंड तक, आज खूब मज़ा आने वाला है। सो गाइज, अभी है मेन पॉइंट पहुंच चुके हैं रॉ गार्डन का, देख सकते हैं रॉ गार्डन के ऊपर से आपको देख सकते हैं ये डैम, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में आपको दिखा रहा था डैम में, और ये नीचे ही कांके डैम है, और उसके ऊपर ये खूबसूरत सा रॉ गार्डन बना हुआ है, जो कि पूरे तरीके से ये एक पहाड़ पे बना हुआ है, देख सकते हैं ये पूरा साइड साइड में गिर लगाया गया जिससे लोग नीचे गिर ना सके, और पूरे तरीके से ये पहाड़ पे है, देख सकते हैं ये पूरा दूर दूर तक आपको शहर नजर आएगा, और ये पूरे तरीके से पहाड़ पे। सो दोस्तों, और सारी चीज़ों को हम दिखा सकते। दोस्तों, अगर रॉ गार्डन अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ खेलने के लिए है, ट्रेन है, झूला है, और ये वाला भी खेलने के लिए जगह है, ये सारी चीज़ यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए है। सो दोस्तों, और बड़ों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह बैठने के हैं। सो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं और भी चीज़ों को, देख सकते हैं यहाँ पे एक तस्वीर बना हुआ है भगवान बिरसा मुंडा का, देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस, देख सकते हैं रॉ गार्डन का कितना मस्त खूबसूरत नज़ारा है, और ये देख सकते हैं पूरा रांची नज़र आएगा आपको रॉ गार्डन से, और इधर तरफ देख सकते हैं पहाड़ सब, यानी पत्थर सब है, और पत्थर के बीचों बीच में ये सब दरख्त लगाए गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखता है, देख सकते हैं और दूर दूर तक आपको शहर नज़र आएगा, और ये शहर के बीचों बीच है, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब हैं, और उसके बीच में ये बसा रॉ गार्डन है, देख सकते हैं रॉ गार्डन से कितना खूबसूरत नज़ारा शहर रांची का, देख सकते हैं पूरा रांची शहर है, इधर तरफ पूरा बड़ा बड़ा सब बिल्डिंग बसा हुआ, और इस शहर के बीच में एक रॉ गार्डन जो कि काफ़ी प्रचलित और काफ़ी फेमस है,
देख सकते हैं इसमें बहुत सारे संख्या में लोग हर दिन आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। सो दोस्तों ये एक फेमस और मशहूर रॉ गार्डन, अगर आप भी कभी रांची आते हैं तो इस रॉ गार्डन का जरूर मजा लीजिएगा क्योंकि एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रॉ गार्डन है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फिसलने के लिए मस्त वाला जगह है और उधर तक एक ब्रिज है जहाँ पे चलना, थोड़ा ब्रिज देख लेते हैं। देख सकते हैं उधर एक हवा छोटा सा ब्रिज है और इस रॉ गार्डन में सिर्फ ऐसे ऐसे फूल दरख्त है और ये सब बैठने की जगह और इस गार्डन में ज्यादा कुछ है नहीं। इधर तरफ बहुत ही खूबसूरत सब आपको पेड़ नजर आएंगे, ये सारे खूबसूरत से पेड़, और इधर देख सकते हैं गुलाब के फूल भी काफी सारे लगे हुए हैं और इधर तरफ एक छोटा सा हावड़ा ब्रिज है, देख सकते हैं ये ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत सा ब्रिज। गाइस ये छोटा सा हावड़ा ब्रिज है जो कि पूरी तरीके से हिल रहा है, हिला 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 हिला, देख रॉ गार्डन में छोटा सा हावड़ा ब्रिज। अरे नहीं आओगे, आओगे भी क्या होगा। देख सकते हो गाइस ये हावड़ा ब्रिज पूरी तरीके से देख सकते हैं बगैर बिना पिलर और बगैर पाया का है। सो गाइस काफी टाइम से घूम रहे थे और अभी बहुत ज्यादा शाम हो चुका है और खूब मजा करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, गेट आउट हो रहा है यानी एग्जिट हो रहा है। सो दोस्तों चलते हैं और अपने रूम की ओर चलते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं उसके बाद आपको इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक दूसरी लोकेशन पर एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद अल्लाह।